शुशुआं दे नाल पंजा प्यारियां दी तुलना की उस बीबी ने अपने लैक्चर दे विच, ते मैं हैरान हो गया। कईआं ने वेख्या होएगा वो भली बीबी नूं इह नहीं पता तू पिछुआं दा मुकाबला पंजा प्यारियां नाल किवें कर सकदी है। भलीए भिक्षु नूं तां महात्मा बुद्ध इह कहे, हुण इह धर्म कित्थों पैदा होया? बदले चों। जे उस साकिया मुनिए दी राणियां दे नाल ब्राह्मण विचार ना करदा हुंदा ते शायद बुद्ध धर्म होंद विच ना आउंदा। बुद्ध धर्म होंद विच आउण दा कारण कि ब्राह्मण की नीवी सोच ते बुद्ध धर्म होंद विच आया कि गुरु नानक साहिब दा धर्म इस करके होंद विच आया सी कि गुरु नानक साहिब दे धर्म ते कोई अटैक कर रहा होवे। गुरु नानक साहिब तां दुनिया के बदले जनेऊ तां गुरु नानक साहिब नूं पुआ रहे सन। गुरु साहिब तां उस वेले उच्ची बांह करके कहिंदे सन जनेऊ पा के मैं अपनी मां नालों वड्डा नहीं बनना चाहुंदा, मैं अपने भरावां नालों वखरा नहीं होना चाहुंदा। जे जनेऊ पाउणा है तो आम शूद्र व्यक्ति जिहड़ा दलित है उसनों भी पाओ। इस तो अगे इत्थे बस नहीं, एक गल उहने अपने लैक्चर विच इह भी कही है कि पंज भिक्षु जिहड़े सन उहनां नूं ब्रह्म दा ज्ञान दित्ता, उहनां घर घर जाके प्रचारिया। तो बुद्ध की सोच यह सी, अपने भिक्षुआं नूं कहिंदा सी तुसां किरत नहीं करनी, मंग के खाणा। कि सिख धर्म मंग के खांदा है? सिख धर्म ही तां इह गल आखी है ज्ञान भी होणा गावै गीत, भुखे मुल्लां करे मसीत, मखटू होए के कन्न पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए, तां के मूल ना लगिए पाए, काल खाए किस हथों दे नानक रा पछाणे से। सिख धर्म की सोच खुद किरत करनी है। तो महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं नूं कहिंदा सी मंग के खाणा है। तो आप जी नूं पता होवे थाईलैंड की पूरी कंट्री भिक्षुआं नाल भरी पई सी, ते कुछ समा पा के सरकार ने कहा इन्ने मंगते हो गए असीं रोटी कित्थों देवांगे। उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने भिक्षुआं नूं कहा तुसीं गिरस्त धारण करो, गिरस्त गृहस्थी हो गए तुहाडे बच्चे रोंदे होणगे कमा के लियाओगे। उन्होंने एक गल मननी पई, गृहस्थी बन गए। दो चार भिक्षु उन्हां दे रह गए बहुते, आ तां ही तुहानूं अज भिक्षु मिलदे नहीं। पर उस बीबी की सौड़ी सोच ने, उस लैक्चरार ने यह गल की कि गुरु नानक साहब की सोच बुद्ध धर्म विचों पैदा हुई। भलीए भिक्षु तां दर दर ते मंगदे सन, सिख तां ओह धर्म है जिहदे कोल लोकी आण के अरदासां करदे सन। ते फिर उहने कही जिहड़ी आ तलवार चलाउण की गल, मार्शल आर्ट की गल, लड़ाकू कौम की गल, उहने आख्या गुरु गोबिंद सिंह ने कोई वखरी नहीं कीती। इह वी महात्मा बुद्ध उदों कर गया जदों भिक्षुआं ते हमला हुंदा सी, ते उहनूं भली नूं इह नहीं पता भिक्षुआं ने अपना आप बचाउण लई हथियार चुके सन, पर सिखां ने अपना आप बचाउण लई हथियार नहीं चुके। इत्थे तां हिंदुस्तान दीआं औरतां कहिंदीआं सन शई बाबा शई, रन बसरे नूं गई, मोड़ी बाबा कच वालिआ वे मोड़ी बाबा टांग वालिआ। इत्थे ते सिख नूं किसे सिख दी धी भैण नूं चुक के गजनी दे बाजार च नहीं सी वेख्या, हिंदुस्तान दीआं धीआं भैणां नूं नीलाम कीता गया गजनी दे बाजार विच जा जा के, सिखां ने जा के उहनां दी पत बचाई सी। सिखां ने जाके उन्हां दा घर घर घाट जिहड़ा सी उन्हां दे घरों धीआं भैणां बचा के घर घर पहुंचाइयां सन। ते गुरु प्यारिओ नैट तों इह चीज़ां वेखण दी लोड़ है। अज लोड़ केवल इहो ही नहीं कि असीं अखां मीट मीट के बाणी पढ़ी जाइए, अज लोड़ है साडे नौजवान यूनीवर्सिटियां स्टडी कर रहे ने, पी एच डियां कर रहे ने, उन्हां नौजवानां नूं अज इह धर्म बारे दसण दी लोड़ है। तुसीं वड्डे वड्डे अफसर बणो, पर तुसीं जदों तुहाडे कोल आवे तुसीं अपने धर्म बारे दस सको कि धर्म किड्डा विशाल है। इस धर्म के हर बंदा आण के गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकता। असी किसी के विरुद्ध नहीं है, सानू कोई हक नहीं किसी के खिलाफ बोलीए। शायद मेरे इस विचारों तो किसी लगता हो मैं भड़कीला प्रचार कर रहा, नहीं, पर सानू हक है कि साडे घर आके कोई साडे बापू की पग नूं हाथ पावे असी जवाब दे सके। हाँ, ऐसा करदे आ साडा शरीर भी चला जाए तो असी अपने आप नूं वड्डियां भागां वाले समझांगे कि असी सच बोलदे हां, माया कारण नहीं। क्योंकि माया कारण दुनिया के लोग दीन गवा सकते हैं। दुख उदों हुंदा है जदों असी सच दे गले च गूठा दे के केवल चार शब्दों के बदले असी संसार ते उन्हां बंदियां दी तारीफ कर दिंदे आ जिहड़े धर्म दा खुद बलात्कार करन वाले ने, धर्म दा रेप करन वाले ने, धर्म तों कोहां दूर जा के झूठ दा पलंदा लैके साडे सामने आउंदे ने, उदों साडा मन जरूर टुटदा है। प्यारिओ जागण दी लोड़ है। उस बीबी ने अपने लैक्चर च कीहड़ियां कीहड़ियां गल्लां कीतीआं दो चार हिंट ही तुहाडे नाल सांझे कीते ने। नौवां मिंटां च इत्थों तक उहने लफ्ज़ वरत्या कि इक कमले हो गए सिख जिहड़े अपने तन्नां ते तलवारां पाई फिरदे ने। मैं नहीं कहिंदा कि सानू कोई भड़कीला प्रचार उहदे विरुद्ध करना चाहीदा, पर उस जे उह बीबी सुणदी होवे जां उस बीबी दा कोई प्रचारक सुणदा होवे, तरला जरूर है उस भैण दे अगे कि बह टेबल ते आण के साडे नाल विचार कर, तैनूं फिर दसांगे कि महात्मा बुद्ध ते सिख धर्म च फर्क की है, कि कोहां दूर है महात्मा बुद्ध की फिलोसफी गुरु नानक के धर्म तो। इत्थे तक कि महात्मा बुद्ध की सोच है कहिंदी सी जदों तुरे ते चार फुट तो अगे तां नहीं वेखणा,
महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहता सी जो तुम तुरना ना धरती से चार फुट धरती तो अगे नहीं वेखना, जो अगा वेखोगे हो सकता तुहाडा ध्यान किसी औरत से पै जाए, औरत बदले इतनी नीवी सोच कि चार फुट जो तुम तां वेखोगे हो सकता तुहाडा किसी औरत से ध्यान पै जाए। ये भी अपने भिक्षुओं को आख्या जे तुहाडा ध्यान किसी औरत से पै गया तो उन्हें छूना नहीं, जे छू लिया तो उन्हें कमाना नहीं, जे कवा लिया अपने होश नहीं गवाने। ये महात्मा बुद्ध की फिलोसफी। तो चार भगत जिहड़े बाणी लैके आए गुरु अर्जन साहब के कोल, उन्हां चों एक भगत ने आख्या सी कागज संधी पूतरी तो ना तरिया निहार। महाराज कहिंदे सुना भलिया किहड़ी कविता लैके आया, कहिंदा कागज की बनी स्त्री होवे उहदे वल वी नहीं टकणा, चम की बनी होवे तां बहुत दूर की गल रही। महाराज कहिंदे लै जा अपनी कविता, इहदे विच तां उह फिलोसफी उह विचार अंकित ने कि सो को मंदा आखिए जित जम्मै राजान। गुरु नानक का धर्म उस बीबी को दसना चाहवांगे, गुरु नानक का धर्म तो औरत को कहते मंदा क्यों आखना है। पर उस औरत ने अपनी लैक्चर से एक गल होर कही, उन्हें आख्या सिख फड़ा मारते हैं कि असी बीबी को बराबर का दर्जा दिता है। दरबार साहब अज तक कीर्तन करन का मौका नहीं दिता गया। बीबी के लैक्चर में यह पंक्ति अंकित है, मेरे को सीडी पई है, किसी को शक हो तो 10-26 नंबर कमरे ठहरिया होया, मैं विखा सकदा। तो मैं उस बीबी को यह जवाब देना चाहवांगा, बीबी यह सौड़ी सोच साडे आगुआं दी हो सकती है कि उन्हें बीबियां अज तक बराबर का दर्जा नहीं दिता गया। एक कलंक मेरे गुरु से ना ला, एक कलंक मेरे रैबर से ना ला, यह बंदियां दी सौड़ी सोच हो सकती है जिन्हें अज तक बीबी को बराबर का दर्जा नहीं दिता। हाँ हुण तां पंजां प्यारियां च भी बीबियां शामिल होण लग पईआं। असीं दसना चाहवांगे उस बीबी नूं कि बुद्ध का धर्म कहिंदा सी कि औरत वल तकना नहीं। औरत बारे इथों तक आप जी नूं पता होवे, महात्मा बुद्ध दे नाल इक लफ़्ज़ जुड़िया है गौतम बुद्ध। गौतमी उहदी चाची सी, मतरेई मां सी, उन्हें पालिया सी, इसनों पाल के जवान किया। एक दिन गौतमी कह लगी बुद्ध पुत मैनू भी कोई शिक्षा दे, मेनू भी कोई ज्ञान दे। ते महात्मा बुद्ध कहिंदा भी औरत वास्ते साडी सोच नहीं भी ज्ञान दे सकीए। यह गल अपने कोलों नहीं, इन्हां दे ग्रंथां च गल लिखी हुई है, जिहड़ी पाली पाली भाषा विच इन्हां दा ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध दे जिउंदिआं नहीं लिखिया गया, मरन तो बाद लिखिया गया। यह गल्लां मैं तां कह रहा क्योंकि उहदे लैक्चर विच एक कोट ने गल्लां, उह लैक्चर विचों पॉइंट लैके मैं तुहाडे नाल सांझे कर रहा। पाली भाषा में जो उन्हें विचार दिते, महात्मा बुद्ध के जींदियां ग्रंथ नहीं लिखा गया। पर वारे जाइए सिखो अपने गुरु तो, एक भी तुक गुरु साहब के जान तो बाद नहीं। गुरु साहब जींदे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लिख के सानू गुरु ग्रंथ साहब के लड़ ला के गए ने। महात्मा बुद्ध ने किवें तुलना की जा सकती है? तो महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा जिहड़ियां विचारां दित्तियां उहदे विच एक गल लिखी है कि जदों उहदी चाची आई उहदे कोलों ज्ञान लैण, तो महात्मा बुद्ध कहिंदा वैसे औरत वास्ते साडा धर्म इजाजत नहीं दिंदा भी तैनू असी गुर दीख्या दे सकीए, पर दे दिंदे आ तू क्यों मैनू पालिया है, इहदा अर्थ अहसान कीता उहदे ते। जे पालिया ना हुंदा तो औरत नूं दीख्या नहीं सी देनी। गौतमी नूं दीख्या दित्ती ते दीख्या देण लग्गिआं इह गल कह दित्ता बुद्ध ने, कहण लगा दीख्या अज तैनू तां दित्ती है क्योंकि तू मैनू पालिया। जे ना पालिया हुंदा ते औरत वास्ते बुद्ध दी दीख्या नहीं केवल मर्दां वास्ते सी। नाल इक लफ्ज़ वरतिआ कहण लगे उदा यह धर्म 5000 साल चलना सी। बुद्ध ने कहा यह धर्म 5000 साल चलना सी, पर मेरी ये चाचीए यह तेनू ज्ञान देन करके ये हुण धर्म केवल 500 साल ही चलेगा, क्योंकि औरत नूं दे बैठा गलती कर बैठा। उस औरत नूं पुछया जाए जेड़े बुद्ध की सोच औरत बारे ये होवे, उस बुद्ध नूं मेरे गुरु नानक ना मिला देवेंगी? जेड़े मेरे गुरु नानक ने, जेड़े मेरे गुरु नानक की पहली सिख बेबे नानकी है, उस गुरु नानक साहब के नाल किवें तुलना कर देवेंगी महात्मा बुद्ध की सोच की? खैर सारिया गल्लां मैं इस दीवान तो नहीं सांझियां कर सकता जिन्हां उन्हें अपने विषय में कोट कीतियां, पर मैं बेनती जरूर करांगा गुरु प्यारे हो सानू अज लोड़ है कि इहो जे हमले तुसी शिवाजी मराठा की गल ला लो, एक दलित राजा बनिया तो जदों राजा बनिया इथों दीआं उच्च जातियां ब्राह्मणा ने तिलक हाथ नाल नहीं दिता, पैर दे खब्बे अंगूठे दे नाल उहनू तिलक लाया क्योंकि शूदर है। मराठा शिवाजी मराठा राजा सी, ते अज जिहड़ी RSS है उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी फोटो उस मराठे दे नाल शिवाजी दे नाल स्थापित कर दिती है, सिख धर्म नूं नीवा करन वास्ते ना, भी सिख धर्म उच्ची गल ना कर सके। जिहनूं जिस व्यक्ति नूं तुसीं आप शूदर मानदे हो उहदी तस्वीर तुसीं गुरु एक राजे दी तस्वीर गुरु दे नाल अंकित कर दिती, पर कारण इक्को ही है कि उह किते ना किते सानूं मलिया मेट करना चाहुंदे। प्यारिओ बेनती करां अपने धर्म बारे जरूर पढ़ो, असी सानू हक नहीं किसी बारे बोल सकीए, पर असी अपने गुरु की वडियाई से कर सकते हैं, असी अपने गुरु की उपमा से कर सकते हैं। साडे घर दे विच साडे पिता दे गल कोई आण पवे, भावें पिता ना पुत बोलता भी ना होवे,
फिर भी उस व्यक्ति नूं सुका नहीं जा।